हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट। प्रीवियस क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था और उनका क्लासिफिकेशन देखा था। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने से पहले यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार देखें, तभी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकेगी। तो यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो देखो, एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये जो इंस्टीट्यूट है वो है सेवर्स। पेरिस, और ये आपको पता ही है ये कहाँ है, फ्रांस। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसकी जो यूनिट है उसको कौन डिसाइड करता है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो सेवर्स पेरिस के अंदर स्थित है। तो ये कैसे डिसाइड करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को? तो जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें मास को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड अमाउंट ये चूज करता है। किसी ऑब्जेक्ट के मास को हमें मेजर करना है तो उसके लिए ये जो इंस्टीट्यूट है वो क्या करता है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट चूज करता है। जैसे मास को मेजर करना है तो एक स्टैंडर्ड अमाउंट चूज करके उसने कह दिया कि ये जो मास है वो 1 kg है, ये जो मास है वो 1 kg है। अब ये जो मास जो हमारे पास है वो 1 kg है, वो इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो ये इंस्टीट्यूट है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको बताएगी कि इतनी जो क्वांटिटी है वो 1 kg के इक्वल है। तो हमने क्या किया है कि एक आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड चूज कर लिया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, और वो आर्बिट्रेरी जो स्टैंडर्ड है वो ही क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। तो मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद में धीरे धीरे क्लियर होगा। देखो, एन आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट एन आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेजर करना है तो उसके लिए एक आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड आपने चूज कर लिया, एन आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अब जो आपने आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड चूज किया है वो इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड होना चाहिए। विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और उसे ही हम क्या कहते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कहते हैं, इज कॉल्ड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हो गई
एन आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो उससे जो आगे है हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, जैसे हम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने मास को केजी के अंदर मेजर किया, टाइम को सेकंड के अंदर मेजर किया और डिस्टेंस को मीटर के अंदर मेजर किया। तो मतलब देखो ये एक सेट बन गया और ये जो सेट है वो किसका है, फंडामेंटल क्वांटिटी का, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उसकी यूनिट का है। देखो केजी किसका है, मास का, और सेकंड किसका है, टाइम का, और मीटर किसका है, लेंथ का। तो ये जो एक कंप्लीट सेट है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज का भी हो सकता है और ड्राइव्ड क्वांटिटीज का भी हो सकता है। तो यूनिट ऑफ ए सिस्टम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक कंप्लीट सेट ऑफ बोथ द फंडामेंटल बोथ द फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एक कंप्लीट सेट होगा जिसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज भी हो सकती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी हो सकती है। उस कंप्लीट सेट को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ ए यूनिट। तो मेनली फोर सिस्टम ऑफ यूनिट हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसको हम जो मेन चार मेन हैं उन्हीं को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चार कौन से हैं, पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है FPS। पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट है FPS सिस्टम, FPS सिस्टम। तो देखो हमारे पास जो तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं वो हैं लेंथ, मास और तीसरी है टाइम। तो FPS जो सिस्टम के अंदर क्या होगा, जो तीन जो फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं लेंथ, मास और टाइम, उनको रेस्पेक्टिवली, लेंथ को हम मेजर करते हैं फुट के अंदर, मास को पाउंड के अंदर और टाइम को सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है। तभी तो ये तीनों जो वर्ड्स हैं इनके फर्स्ट लेटर को देखो FPS, तभी इसको FPS सिस्टम कहा गया। दूसरी जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम के अंदर जो तीन जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, CGS सिस्टम के अंदर लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर और मास को मेजर किया जाता है ग्राम और टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड। इसीलिए इन तीनों जो वर्ड्स हैं इनके फर्स्ट लेटर है CGS, इसीलिए इसको CGS सिस्टम कहते हैं। और थर्ड जो सिस्टम ऑफ यूनिट है या
वो है एमकेएस, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम के अंदर क्या होता है, लेंथ जो है उसको एम मतलब मीटर के अंदर मेजर किया जाता है, और मास जो है उसको किलोग्राम के अंदर मेजर किया जाता है, और टाइम जो है उसको सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है। फोर्थ जो सिस्टम यूनिट है वो है एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम या इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब एसआई जो सिस्टम है वो एमकेएस जो सिस्टम है उसी का मॉडिफिकेशन है, मतलब इसी को मॉडिफाई किया गया है, इसमें एमकेएस सिस्टम को ही मॉडिफिकेशन किया गया है। तो एसआई जो सिस्टम है इसमें टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो एसआई सिस्टम को पढ़ने से पहले इन तीनों सिस्टम को हम देखते हैं पहले। तो एक एक करके सबसे पहले हम देखते हैं एफपीएस सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफपीएस सिस्टम। तो देखो एफपीएस जो सिस्टम है इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन दिस सिस्टम मतलब इसमें क्या लिखेंगे, इन दिस सिस्टम द फंडामेंटल क्वांटिटी, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, टाइम आर। अब देखो हमने भी आपको समझाया था कि जो एफपीएस जो सिस्टम है उसमें लेंथ, मास और टाइम की जो यूनिट है वो रेस्पेक्टिवली आर। लेंथ के लिए क्या बताया था आपको, फुट, पाउंड, मास के लिए पाउंड एंड टाइम। तो देखो सेम लैंग्वेज जो है वो हम सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम में लिखेंगे। तो सीजीएस सिस्टम में क्या लिखेंगे, इन दिस सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ये सीजीएस सिस्टम में लिख देंगे। सेम जो लैंग्वेज है वो इसमें इंक्लूड करेंगे, इसमें लिखेंगे। तो एमके सिस्टम में क्या लिखेंगे, इन दिस सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। तो ये तो हो गया इन तीन सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में।